राज बेटा, तू? नमस्ते माची। माची, आकांक्षा से बात करना चाहता हूं। तुमसे बात करना चाहता हूं आकांक्षा। मैं अपनी उर्मिला की जान की भीख मांगने आया हूं। मैं जानता हूं तुम बुरी नहीं हो, तुम सही हो या गलत, इसका फैसला तो मैं सिर्फ अपनी उर्मिला की जिंदगी मांगने आया हूं तुमसे। कल उर्मिला को पागल खाने ले जाएंगे, डॉक्टर्स का कहना है कि उर्मिला की हालत अगर कंट्रोल में नहीं आई तो संजीरों में बांध कर रखना होगा, क्योंकि कभी वो अपने हाथ काटती थी, कभी अपना सर पटकती। अगर उसे पागल खाने लगे तो आकांक्षा मेरी मुस्कुराती हंसती खेलती चहकती जिंदगी, मेरी दुनिया एक पल में बुझ जाएगी। सिर्फ देखिए, मुझे अपनी फिक्र नहीं, लेकिन हर रोज हर पल हर लम्हा उर्मिला मर रही है। आकांक्षा, मेरी उर्मिला को बचा लो, सिर्फ तुम मेरी उर्मिला को बचा सकती हो, सिर्फ तुम्हारा राहुल मेरी और मेरा को बचा सकता है। आकांक्षा, मैं समझता हूं तुम्हारी मजबूरी होगी, तुम्हारी ममता होगी, तुम्हारे जज्बात होंगे, लेकिन आज मैं उस आकांक्षा के सामने आया हूं जिसने मेरी उर्मिला की जिंदगी में खुशियां भरने का वादा किया था। आज मैं वो खुशियां नहीं, उर्मिला की जिंदगी मांग रहा हूं। आकांक्षा, मेरी उर्मिला की जान बचा लो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी उर्मिला की जान बचा लो। आकांक्षा प्लीज, मेरी उर्मिला की जान बचा लो। आकांक्षा प्लीज, मेरी उर्मिला की जान बचा लो। को मरने नहीं देना चाहती मां, लेकिन मैं अपने राहुल को अपने से अलग नहीं कर सकती। बेटी, एक बिनती है, इस बच्चे को तुम राहुल मत लो। मां, बेटी ये राहुल नहीं है, राहुल मर चुका है बेटी, और ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। और एक बात बेटी, बेटी मैं नहीं चाहती कि कल कोई भी ये कहे
कि यह बच्चा अपनी होने वाली माँ की मौत की वजह बने। राहुल को भूल जाओ बेटी, राहुल को भूल जाओ।